हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के सेशन के लिए। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है और हायर चांसेस है 32,800 32,900 का अगर लेवल टूटता है तो हमें एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। फ्राइडे के सेशन में अगर आप देखो 32,250 के आसपास का इसने लो बनाया, एक इंट्राडे बाउंस बैक हमें देखने को मिला और फिर वापस हमें सेकंड हाफ में फॉल देखने को मिला। सो ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखो 14,950 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो 33,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है। अब अगर आप डेली चार्ट देखो तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये जो लास्ट स्विंग था और यही लेवल एग्जैक्टली यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, 32,400 32,500। ये अगर इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो एक शार्प फॉल बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है, 32,000 और 31,500 तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो बैंक निफ्टी में जो व्यू है वो अभी भी क्लियरली बेरिश ही है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए और नीचे में 32,000 और 31,500 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। पोजिशनल टारगेट जो डेली चार्ट पे आते हैं वो आते हैं 30,000 के आसपास। अगर ब्रॉडर व्यू की बात करें तो यहाँ से 30,000 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है, 2,000 से 2,500 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो पोजिशनली भी बैंक निफ्टी काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा 32,500 के नीचे और इंट्राडे में भी 32,500 के नीचे हम लोग एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये लेवल बार बार रिटेस्ट हो चुका है। एक बार यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ और यहाँ पर रिटेस्ट हुआ। तो ये लेवल अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी 4 से 5 बार रीटेस्ट हो चुका है। 32,400 के जैसे नीचे जाता है एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन हम लोग ले सकते हैं बैंक निफ्टी में 32,000 और 31,500 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए। सो कल के दिन में आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, ये वाला कैंडल आप इग्नोर करना क्योंकि ये वाला कैंडल मॉक ट्रेडिंग का कैंडल है, 10 अप्रैल को जो मॉक ट्रेडिंग था उसका कैंडल है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेली चार्ट पे ये ट्रेंड लाइन बन रहा है और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटता है एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में भी 14,850 14,840। ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, 14,850 के नीचे अगर जाता है तो 14,650 14,700 ये टारगेट के लिए हम लोग इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं, एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस हम लोग ले सकते हैं 14,840 के नीचे। और पोजिशनली भी अगर बात करें तो 14,200 और 13,600 ये दो पोजिशनल टारगेट्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। 14,800 के नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है पोजिशनली और 14,200 और 13,600 14,200 और 13,600 तक के टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस का नॉलेज है तो हाईली एडवाइजेबल होगा कि ऑप्शंस में एक बेरिश स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हो मंथली ऑप्शंस में, वीकली एक्सपायरी में प्लान मत करना, मंथली एक्सपायरी ऑप्शंस में हम लोग एक बेरिश स्ट्रेटजी हम लोग प्लान कर सकते हैं। निफ्टी में भी आप देख सकते हो 14,850 कितना क्रूशियल लेवल है क्योंकि यहाँ पर यह लेवल टूटा था, एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला, एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, वापस सपोर्ट लिया वापस ऊपर गया, ये लेवल ऑलरेडी 3-4 बार रिटेस्ट हो चुका है। तो 14,840 14,850 ये लेवल के नीचे अगर जाता है इंट्राडे में तो एक एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन हम लोग बना सकते हैं निफ्टी में 14,700 और 14,650 तक के इंट्राडे टारगेट के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर लेवल्स में कुछ भी चेंजेस होता है तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल में आपको लाइव ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस राइटिंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं, ऑप्शंस बाइंग के ट्रेड्स भी मिलते हैं। और ये हमारा वेबसाइट है, अगर आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी सीखना है, डेरिवेटिव ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल ऐप का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।